रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फराहमी यकीनी न बनाई जा सके, खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात। उधर खसूसी रमजान पैकेज के तहत आटे की तकसीम के अदाद शुमार जारी, लाहौर समेत 9 शहरों में 3,68,38,000 थैले दिए गए। माह मुकद्दस में भी महंगाई की दुहाई, फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी, सेब केला अमरूद अंगूर गरीब की पहुंच से बाहर, सब्जियों के नाम भी आउट ऑफ कंट्रोल, लहसुन 400, अदरक 700, सब्ज मिर्च 120 रुपए किलो बेची गई, मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 507 रुपए रही। मौसम के तेवर बदल गए, गर्मी अपना रंग दिखाने लगी, रोजेदारों के हल्क खुश्क। उधर लेस्को ने भी लोड शेडिंग शुरू कर दी, बिजली के तलब 3,390 मेगावाट, फराहमी 3,150 मेगावाट पर आ गई, लाहौर में 3 से 4 घंटे के लिए बिजली बंदिश से शहरी परेशान। शदीद गर्मी और हीट वेव का खतरा, महकमा तालीम से इम्तिहानी शेड्यूल तलब, पीडीएमए ने मुतल्लिका महकमों से भी प्लान मांग लिया, गर्मी से बचाव के लिए इकदामात की हिदायत। लाहौर का दर्जे हरारत 37 डिग्री को छू गया, शहर आलूदगी में भी सर फहरिस्त है। सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक का मंसूबा, 200 नहीं 362 बेड की इमरजेंसी बनेगी, सीसीयू में 22 और इंसुलिन के 7 रूम्स होंगे, एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन की सहूलत होगी। आईडीएफ के निगरान वजीर आला को ब्रीफिंग, मंसूबे का मास्टर प्लान पेश किया। इमरान खान की जेरे सदारत इजलास, वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली पर तबादला ख्याल, पंजाब के इंतखाबात और उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर। स्पीकर असेंबली सत्यार खान कहते हैं पीटीआई कारकुनों का सियासी इस्तेहसाल किया जा रहा है, पुलिस कारकुनों के घरों पर नाजायज छापे मार रही है। कसरे नूर शादी हॉल के खिलाफ हर जाने का दावा दायर, शादी के लिए 1 माह कबल हॉल बुक कराया, 50,000 एडवांस भी दिया, बारात से 2 दिन पहले हॉल किसी और के नाम पर बुक कर दिया। डीएचए की इमरान भट्टी का दावा, शादी हॉल का मैनेजर और मालिक 14 अप्रैल को सारिफे अदालत तलब। सूबाई वजीर सनत एसएम तनवीर की जेर सदारत इजलास, माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, महकमा तहफ्फुज माहौलियात की रिपोर्ट पर प्लांट से मुतालिक फैसला होगा। सूबाई वजीर बल्दियात इब्राहिम मुराद का गवर्नमेंट एकेडमी जौहर टाउन का दौरा, कॉन्ट्रैक्टर्स को एकेडमी का तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत, एकेडमी का 74% तरक्याती काम मुकम्मल हो चुका, वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग। कम आमदन वाले खानदान को तुलबा के लिए स्कॉलरशिप, हर तालिब इल्म को 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, 19 अप्रैल तक दरख्वास्तें तलब, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तहत सालाना 50,000 मिलेंगे, दरख्वास्तें पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड की वेबसाइट पर जमा करवाई जा सकती है। फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए फेयर प्राइस शॉप्स बनाने का फैसला, गंदम दालें आटा घी चीनी और चावल सस्ते दामों मिलेंगे, महकमा लेबर ने तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को टास्क दे दिया। उधर मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी और नादरा के दरमियान एमओयू साइन, सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर और आमिर अली ने दस्तखत किए। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाह देने का फैसला, बहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले की जाएगी, वजीर आजम की सेक्रेटरी खजाना को फौरी इंतजाम करने की हिदायत। उधर इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा 1 साल से तनख्वाहों से महरूम, हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं किए। एमबीबीएस फोर्थ प्रोफेशनल के नतायज का ऐलान, कामयाबी का तनासुब 88.07% रहा, एविसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर की नबीला ऐवान ने 879 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की, लाहौर के फैजान अली की दूसरी और सियालकोट के उमेर साजिद की तीसरी पोजीशन। सिविल सर्विसेज एकेडमी में 50वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम की पासिंग आउट तकरीब, गवर्नर पंजाब लिगो रहमान, डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज एकेडमी कामरान अली अफजल की शिरकत, आरिफा सबोही फैकल्टी मेंबरान भी शरीक थे।
कम आमदन वाले खानदान को तुलबा के लिए स्कॉलरशिप्स, हर तालिब इल्म को 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। 19 अप्रैल तक दरख्वास्तें तलब, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तहत सालाना 50,000 मिलेंगे। दरख्वास्तें पंजाब एजुकेशन इंडोवमेंट फंड की वेबसाइट पर जमा करवाई जा सकती है। फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए फेयर प्राइस शॉप्स बनाने का फैसला। गंदम, दालें, आटा, घी, चीनी और चावल सस्ते दामों मिलेंगे। महकमा लेबर ने तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को टास्क दे दिया। उधर मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी और नादरा के दरमियान एमओयू साइन। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर और आमिर अली ने दस्तखत किए। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाह देने का फैसला। बहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले की जाएगी। वजीर आजम की सेक्रेटरी खजाना को फौरी इंतजाम करने की हिदायत। उधर इंसाफ स्कूलों के असातिज़ा 1 साल से तनख्वाहों से महरूम, हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं किए। MBBS फोर्थ प्रोफेशनल के नतायज का ऐलान। कामयाबी का तनासब 88.07% रहा। एविसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर की नबीला ऐवान ने 879 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर के फैजान अली की दूसरी और सियालकोट के उमेर साजिद की तीसरी पोजीशन। सिविल सर्विसेज एकेडमी में 50वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम की पासिंग आउट तकरीब। गवर्नर पंजाब लीगो रहमान, डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज एकेडमी कामरान अली अफजल की शिरकत। आरिफा सबोही, फैकल्टी मेंबरान भी शरीक थे। CCPO बिलाल सिद्दीक कुमियाना की जेर सदारत इजलास। कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन में जुराइम का जायजा। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की शिरकत। नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान की सरजनिश। राइट फॉर चेंज प्रोग्राम। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेशन। तालिबात को लर्नर ड्राइविंग के मुफ्त परमिट जारी किए गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस और मुकामी कंपनी के तआवुन से तालिबात को स्कूटी ट्रेनिंग दी जा रही है। ईद की आमद आमद, बाजारों में खरीदारों का रश। खुस्सा एक सदाबहार रिवायत। कहीं खुस्से में तिले की बेहतरीन कढ़ाई, कहीं मोती जुड़े हैं। हर खुस्सा एक दूसरे से मुनफरिद होता है। और पहले रमजान मुबारक स्पोर्ट सीरीज लाहौर डिवीजन ने जीत ली। लाहौर 590 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। फैसलाबाद डिवीजन 550 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर। गुजरावाला ने तीसरी पोजीशन समेटी।